10 मिनट में 50 खबरें। बीजेपी ने की प्रधानमंत्री मोदी की तुलना महात्मा गांधी से। दिल्ली में पार्टी नेता विजय गोयल के नाम से लगा पोस्टर। पीएम मोदी को बताया गया साबरमती का संत। बीजेपी के पोस्टर में गांधी पर दोहे के साथ। अमेरिकी दौरे की कामयाबी के लिए पीएम मोदी की भी दोहे के साथ की गई तारीफ। आज तक से खास बातचीत में विजय गोयल ने दी पोस्टर पर सफाई। कहा, पोस्टर में कुछ भी गलत नहीं। पीएम भी साबरमती से आते हैं और संत की तरह रहते हैं। कल बिहार के चक्री में लालू यादव ने बीजेपी पर किया था बड़ा हमला। पार्टी को बताया था राक्षसों की सेना। बेगूसराय रैली में अमित शाह ने लालू को कहा था चारा चोर। नीतीश कुमार पर लगाया था बिहार की जनता से धोखाधड़ी का आरोप। बोले, गठबंधन के दौरान बीजेपी नेताओं को किया गया अपमानित। बिहार के नाथनगर में नीतीश कुमार का अमित शाह पर पलटवार। बिहार में घूम रहे हैं बाहरी लोग। पटना से आज ही दिल्ली के लिए वापसी की उड़ान भरेंगे अमित शाह। पहले 5 अक्टूबर को लौटने का था कार्यक्रम। संघ के कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। आज बीजेपी जारी करेगी विजन डॉक्यूमेंट। अरुण जेटली भी होंगे पटना में मौजूद। दलितों, पिछड़ों, मुस्लिम और युवाओं पर हो सकता है फोकस। कई बड़ी घोषणाओं की उम्मीद। तीसरे दौर के चुनाव के लिए आज से बिहार में उम्मीदवार करेंगे नामांकन। 28 अक्टूबर को होगा तीसरे दौर का मतदान। बिहार में आज भी महागठबंधन की ताबड़तोड़ रैलियां। बिहपुर, सिसौनी, बगदोब, उजियारपुर और विभूतिपुर में नीतीश की रैली। राजौन, बांका, मुंगेर, आरा और टेखड़ा में दहाड़ेंगे लालू। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी 7 अक्टूबर को बिहार में करेंगे मैराथन रैली। बेगूसराय, शेखपुरा और रोहतास में ठोकेंगे ताल। मिशन बिहार पर मुलायम और अखिलेश यादव भी चलाएंगे अपनी साइकिल। सूत्रों के मुताबिक 4 से 6 चुनावी जनसभा करेंगे। बीजेपी के स्टार प्रचारक भी आज करेंगे सभाएं। समस्तीपुर के कई हिस्सों में रहेंगे मनोज तिवारी और गिरिराज सिंह। लालू पर केस के मामले में बेटी मीसा का बयान। कहा, भाषण देना नेताओं का काम, नजर रखना और मामले बनाना आयोग का काम। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने यूएन की सभा में उठाया कश्मीर का मुद्दा। भारत पर लगाया सीज़फ़ायर लंघन का आरोप। कश्मीर मुद्दे पर शांति प्रक्रिया के लिए यूएन से मांगा सहयोग। समाधान के लिए सुझाया 4 सूत्रीय फॉर्मूला। कहा, बंद हो सीज़फ़ायर लंघन। सियाचिन और कश्मीर से हटे सेना। सैन्य बल का ना उपयोग, यूएन करे निगरानी। भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज आज करेंगी यूएनजीए को संबोधित। शरीफ के आरोपों का देंगी जवाब। पंडित नेहरू की 125वीं जयंती के कार्यक्रम से नाखुश है कांग्रेस आलाकमान। राज्यों के अध्यक्षों और सचिवों से मांगी गई कार्यक्रमों की रिपोर्ट। फोटो और वीडियो भी लाने को कहा। महासचिव जनार्दन द्विवेदी ने लिखी है पदाधिकारियों को चिट्ठी। 7 अक्टूबर को नेताओं को किया दिल्ली तलब। हिमाचल के सीएम वीरभद्र के ठिकानों पर सीबीआई रेड के मामले में कांग्रेस करेगी केंद्र पर हमला। आज राष्ट्रपति से मिलेंगे हिमाचल कांग्रेस के मंत्री और नेता। ठिकानों पर सीबीआई रेड के दिन वीरभद्र की बेटी की थी शादी। पंजाब के बठिंडा में खेती बाड़ी दफ्तर का घेराव करने गए कांग्रेसियों पर पुलिस का लाठीचार्ज। सांसद रवनीत सिंह बिट्टू कर रहे थे कांग्रेसियों की अगुवाई। दफ्तर में प्रदर्शनकारियों ने की थी तोड़फोड़। आज देशभर में ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने बुलाई है हड़ताल। देशभर से टोल प्लाजा हटाने की मांग कर रही एसोसिएशन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से बेनतीजा रही बातचीत। त्योहारों के मौसम से पहले सुरक्षा एजेंसियों के सामने चुनौती। खुफिया इनपुट के मुताबिक राजस्थान और दिल्ली में बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में ISIS। लश्कर भी बना रहा है आतंकी साजिश। भारत इजरायली दूतावास और इजरायली पर्यटक हो सकते हैं निशाना। झारखंड में ATS और NIA की संयुक्त कार्रवाई। वर्धमान ब्लास्ट के संदिग्ध आरोपी को किया गिरफ्तार।
असम के चिरांग जिले से आतंकी संगठन एनडीएफबी के डिप्टी कमांडिंग ऑफिसर उद्यांचल की गिरफ्तारी। सेना और असम पुलिस का ऑपरेशन। राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियों के मुद्दे पर आज गृहमंत्री राजनाथ सिंह करेंगे सुरक्षा एजेंसियों की कॉन्फ्रेंस को संबोधित। जल्द ही पीएम मोदी लॉन्च करेंगे नया मोबाइल ऐप। डिजास्टर से लेकर सरकारी नीतियों तक की मिलेगी पूरी जानकारी। ऐप्स पर ही होगी पीएम को मिले तोहफों की नीलामी। सरकार को सुझाव देने का भी होगा विकल्प। ब्यूरोक्रेसी की सफाई करने के मिशन पर मोदी सरकार। डीओपीटी ने तैयार की 125 भ्रष्ट अफसरों की सूची। राज्यों को भी दी जाएगी सूची। अफसरों को दिलाया जा सकता है स्वैच्छिक रिटायरमेंट। रेलवे ने जारी किया नया टाइम टेबल। आज से लागू नए टाइम टेबल में रफ्तार बढ़ाकर 90 ट्रेनों को किया गया सुपरफास्ट। 10 मिनट से लेकर 2.5 घंटे तक बचेगा सफर का समय। दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती पूछताछ के दौरान 2 बार रो पड़े। सूत्रों के मुताबिक पत्नी लिपिका से रिश्ते के सवाल पर सोमनाथ के आंसू निकल आए। कल सोमनाथ को लेकर उनके ससुराल पहुंची थी दिल्ली पुलिस। घरेलू हिंसा के आरोपी सोमनाथ के लिए आज अहम दिन। द्वारका कोर्ट में पेशी तो सुप्रीम कोर्ट में जमानत पर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा था जमानत पर सुनवाई से पहले सरेंडर करें सोमनाथ। केजरीवाल कैबिनेट ने जासूसी करने वाले विभाग के प्रस्ताव को दी मंजूरी। 50 रिटायर्ड अधिकारियों को शामिल करने का प्रस्ताव। सरकारी विभागों में जासूसी करना और भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर करने का काम करेगा नया विभाग। केजरीवाल सरकार ने तमाम अफसरों को लिखी सख्त चिट्ठी। कहा एलजी के पास सीधे ना जाए कोई फाइल। एलजी से पहले हर फाइल पहुंचनी चाहिए सीएम दफ्तर। अफसरों को लिखी चिट्ठी में एक और अहम निर्देश। कहा किसी भी मंत्रालय के सचिव से पहले मंत्री के पास भेजी जाए फाइल। प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव अरविंद रे ने लिखी है चिट्ठी। दिल्ली में ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के कार्यक्रम में केजरीवाल का केंद्र पर वार। बोले जनता ने हमें सत्ता सौंपी लेकिन केंद्र से दखल से कैसे कर पाएंगे काम। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर केजरीवाल के सेमिनार में नहीं पहुंचे यूपी के सीएम अखिलेश और बिहार के सीएम नीतीश। नीतीश कुमार ने भेजी चिट्ठी। केजरीवाल ने माना गलत वक्त। दिल्ली के बाटला हाउस इलाके में बदमाशों ने सरेआम बरसाई गोलियां। मोबाइल छीनने का विरोध करने पर युवक को मारी गोली। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। बाइक सवार हमलावरों की तलाश जारी। जख्मी युवक गंभीर हालत में एम्स में भर्ती। कानपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स के गोदाम में भीषण आग। महंगे फ्रिज टीवी वॉशिंग मशीन जलकर खाक। घंटों बाद पाया गया आग पर काबू। लखनऊ के कानपुर रोड पर चलते हुए डंपर में अचानक लगी आग। ड्राइवर ने छलांग लगाकर बचाई जान। गुजरात में आईपीएस विपुल विजॉय पर गंभीर आरोप। 13 पुलिसकर्मियों को 12 घंटे तक जबरन बंधक बनाने के आरोपों की हो रही है जांच। पश्चिमी दिल्ली के जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर में वैट विभाग ने मारा छापा। सैकड़ों फर्जी कंपनियों की स्टैंप और बिल बुक बरामद। सरकार को फर्जी कंपनियों के नाम पर लगा रहे थे हजारों करोड़ का चूना। महाराष्ट्र सरकार ने सूखे से निपटने के लिए 2 रुपए बढ़ाया पेट्रोल डीजल का दाम। सोना चांदी शराब सिगरेट और कोल्ड ड्रिंक पर भी बढ़े टैक्स। आधी रात से लागू हुई बढ़ी हुई कीमतें। पीसीबी चीफ ने भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट रिश्ते बहाल करने की वकालत की। प्रधानमंत्री मोदी से की अपील। बीसीसीआई सचिव अनुराग ठाकुर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे श्रीनिवासन। ठाकुर पर कोर्ट में झूठा हलफनामा देने का आरोप। पहले T20 मुकाबले के लिए धर्मशाला पहुंची दक्षिण अफ्रीकी टीम। कल होगा पहला मुकाबला। ऑस्ट्रेलिया का बांग्लादेश दौरा मुश्किल में। सरकार की सलाह के बाद सुरक्षा कारणों से ऑस्ट्रेलिया ने कदम पीछे खींचे। बांग्लादेश बोर्ड ने भी माना सीरीज पर है खतरा।